नमस्कार, न्यूज आप तक में आपका स्वागत है। मैं पूर्णिमा विश्वास, बढ़ते अपनी खबरों की ओर। आज रुख करते हैं पोर्टब्लेयर में स्थित गांधी मार्केट की ओर, जहां एनिडको वाइन शॉप की खबरें जो कुछ दिन पहले ही दिखाए थे, उस खबर के बाद कुछ हिंदू संगठन हमारे चैनल के माध्यम से इस पर घोर निंदा प्रकट किए। हिंदू संगठन से अंडमान एंड निकोबार के हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के अध्यक्ष राकेश्वर लाल जी, हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की महिला मोर्चा के अध्यक्षा मिनती विश्वास जी और हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंशुमन रॉय जी ने कहा कि एनिडको वाइन शॉप को गांधी मार्केट के अंदर एवं मंदिर के सामने नहीं खोलना चाहिए था। हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की ओर से कहा गया कि इसे जल्द से जल्द प्रशासन को हटानी होगी, वरना हिंदू राष्ट्रीय शक्ति द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ जे बॉबी। अभी इस वक्त हम खड़े हैं गांधी मार्केट के ठीक सामने, और ये जो देखिए हम आपको मंदिर दिखाना चाहेंगे, एक मंदिर है यहाँ पे, और इसका ठीक सामने आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे एक वाइन शॉप खुली हुई है, जिसके वजह से जो है इसके ठीक पीछे जो एक मंदिर खुली हुई है, जिसके वजह से काफ़ी सारे हिंदू संगठन इसको लेके विरोध कर रहे हैं। और इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ में आज जुड़े हुए हैं हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के प्रेसिडेंट राकेश्वर लाल जी, मिनती विश्वास जी, और साथ ही जो है अंशुमन जी भी जुड़े हुए। तो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे वाइन शॉप जो ठीक इसके पीछे बना हुआ है, मंदिर के ठीक पीछे बना हुआ है। चलिए, जैसे कि आपको दिखाना चाहेंगे, ठीक सामने ये मंदिर है, आपको मंदिर दिखा, ये देखिए यहाँ पे मंदिर है, और उसके ठीक सामने ही यहाँ पे वाइन शॉप खुली हुई है। देखिए यहाँ पे मंदिर के ठीक सामने जो है वाइन शॉप है, आज बंद है अभी इस वक्त। और ये देखिए यहाँ पे इनका कहना है, जब हमने एक दो दिन पहले हमने दिखाया भी था, जिसमें यहाँ का जो पुजारी है पंडित, उनका कहना है कि लोग पी के जो है बोतल यहीं पे डाल देते हैं, और वो जब मंदिर खोलते हैं तो सबसे पहले उन्हें बोतल को साफ़ करना पड़ता है, उसके बाद ही मंदिर को खोलना पड़ता है। तो पूरा आपको एरिया दिखाना चाहेंगे, ये मार्केट दिखाना चाहेंगे, ये गांधी मार्केट है। अब अच्छा से देख लीजिए, ये गांधी मार्केट है, ये महात्मा गांधी जी के नाम पे ये मार्केट को बनाया हुआ है, और इसको नाम भी दिया है गांधी मार्केट। और गांधी मार्केट के ठीक सामने ये वाइन शॉप बनाया, और आपको सभी को मालूम है कि 2 अक्टूबर को जो है हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं, पूरे वर्ष में मनाया जाता, देश भर में 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाया जाता है। और गांधी जयंती के दिन आप सभी को मालूम है कि ड्राई डे होता है, और उस दिन ना तो कोई मीट काटा जाता है, ना तो जितने भी वाइन शॉप्स होते हैं, दारू होते हैं, उस पूरे के पूरे वो सारे स्टेट्स में बंद होते हैं, पूरे हमारे भारतवर्ष में ही बंद होता है। तो वही जगह पर देखिए प्रशासन द्वारा एक वाइन शॉप खोला हुआ है, ये एनिडको का वाइन शॉप है, और ये डीसी साहब के परमिशन से इसको खोला गया है, क्योंकि बिना डीसी साहब के परमिशन, डीसी ऑफिस के बिना परमिशन का ये वाइन शॉप खोलना पॉसिबल नहीं है। तो सोचिए, महात्मा गांधी जी के जयंती के दिन पूरे देश भर में एनिडको और वाइन शॉप, जितने भी लीगल वाइन शॉप हो गया, फिर आपका मीट हो गया, पूरा का पूरा बंद रखता है एक दिन के लिए, और उन्हीं के नाम से बना हुआ मार्केट में वाइन शॉप खुली हुई है, और ठीक मंदिर के सामने। चलिए, इस विषय में हम हिंदू राष्ट्रीय शक्ति से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका क्या कहना है इस विषय में, चलिए जानते हैं। अभी हमारे साथ में हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के प्रेसिडेंट राकेश्वर लाल जी मौजूद है, साथ ही के महिला मोर्चा के हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के अध्यक्ष मिनती विश्वास जी मौजूद है, साथ इनके उनके साथ ही आपका अंशुमन जी जो कि युवा मोर्चा के हैं, ये भी जो है हिंदू राष्ट्रीय शक्ति से। चलिए जानते हैं सबसे पहले राकेश्वर लाल जी से कि ये जो वाइन शॉप खुले हैं उसके ऊपर में इनका क्या कहना है। ठीक मंदिर के सामने ये वाइन शॉप खुली हुई है, तो उस पर आप एक हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के प्रेसिडेंट के पद पर है, तो आपका क्या कहना है इस विषय पर। देखिए, पहले तो सबको नमस्कार मेरा। ये जो खुली है ये बहुत ही गलत खुली है, क्योंकि मैंने आके पता किया है, मंदिर जो है नियर अबाउट 17 to 18 ईयर्स हो गया है मंदिर को यहाँ पे बने हुए, और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं मेरा एनिडको वाइन शॉप है, ये अभी कुछ हाल में ही कुछ दिन पहले खुली है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहूँगा कि ये पूरा जो एंटायर मार्केट है, ये मार्केट का नाम है गांधी मार्केट, और दूसरी चीज़ इससे कुछ ही दूर पूर्व में हमारा गांधी जी का स्टैचू है। गांधी जी जो है हमारा अल्कोहल का अगेंस्ट था, दारू का, और अब अभी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा अंडमान निकोबार का ऐसा कर दिया है कि हमारा गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के नाम से भी खेल रहा है, और उनके खुद कॉम्प्लेक्स में एक एनिडको वाइन शॉप को लाके खड़ा कर दिया है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन साहब से ये पूछना चाहूँगा कि एंटायर मार्केट में
जो है काफ़ी लोग आते हैं, जिसमें से बच्चियाँ रहती हैं, महिला रहते हैं, और आपका जितने भी फीमेल्स है आते हैं सामान वगैरह ख़रीदने के लिए। यहाँ पे जो है लोग आके दारू लेते हैं, बोतल वहीं पे फेंकते हैं, मंदिर के आजू बाजू पे पड़े रहती है। यहाँ के जो पुजारी है वो आके सुबह सफाई करते हैं। क्या ये सही है? क्या आपको अगर वाइन शॉप खोलनी थी गवर्नमेंट की, तो आप कोई दूसरी जगह पर व्यवस्था कर देती इसके, यहाँ पर क्यों खोले? तो मैं अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, चीफ सेक्रेटरी साहब जी और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे शिफ्ट किया जाए यहाँ से, और ऐसे जगह में खोले जहाँ पे किसी को प्रॉब्लम ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत खोलिए, आप खोलिए, मगर थोड़ा जगह कि जहाँ पे मंदिर ना हो और लोगों को परेशानी, हाँ सिचुएशन देख के खोलिए, जहाँ पे किसी भी, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसी का भी धार्मिक स्थल क्यों ना हो, उस जगह से इसे दूर रखिए। क्योंकि ऐसा जगह खोलने से काफ़ी परेशानी होती है लोगों को, और ये अच्छी बात नहीं है। सर, जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया तो कुछ लोगों ने ये कहा कि ये मंदिर रेस्टोरेंट नहीं है, इस वजह से जो है यहाँ पे वाइन शॉप खोल दिया है, तो इस पर क्या कहना है सर? देखिए, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल आया था, और ये इंडिया गवर्नमेंट पूछी थी कि जितना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जितने धार्मिक स्थल रजिस्टर्ड नहीं, एक टाइम फ्रेम किया गया था जो मुझे अभी याद नहीं है, आप उनका नाम दीजिए और उसके ऊपर वो जो है कार्रवाई करके उसे रजिस्टर करेंगे। रहा बात धार्मिक स्थल, जितने भी कई पुराने धार्मिक स्थल भी है बहुत दूर दराज हम क्षेत्र में हमारे यहाँ पे, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। मैं जैसा भी आपसे कहा कि इस मंदिर को खुले हुए नियर अबाउट 18 इयर्स हो गया, 16 to 18 इयर्स, तो आप बताइए ना, एक मंदिर 18 साल का। बोलने का मतलब यही है कि घूम फिर के कि जब प्रशासन को मालूम था मंदिर है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे नहीं खोलना चाहिए। बिल्कुल 100% नहीं खोलना चाहिए, ये चीज़ें गलत है। देखिए, मंदिर से तो एक तो किसी का भी धार्मिक स्थल के आसपास तो आपको खोलना ही नहीं चाहिए। दूसरा आप ये देखिए, महिला जितने भी है, बच्चे लोग जो भी है, सभी को इससे दिक्कत होती है। अगल बगल शॉप्स है, फ्रूट शॉप्स है, जो लोग आते हैं यहाँ पे लोग पीते हैं, उठा के बोतल फेंकते हैं। मैंने अभी आपसे पहले भी जैसा कहा, पंडित जी जब सुबह आते हैं यहाँ पे बोतल वगैरह पड़ी रहती है उसे फेंकते हैं। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का जो सपना था कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड को स्मार्ट सिटी बनाया जाए, आप देखिए ये जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में जो पत्थर वगैरह जितने भी हुई है, देखिए डंप किया गया हुआ है, आप ये सब चीज़ को साफ करिए, सुंदरता बनाइए हमारे सिटी को। नाम का केवल जो है स्मार्ट सिटी नहीं, काम का हो। बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100%। और बाकी जैसे महिला मोर्चा से भी मौजूद है, तो उस मैडम से भी जानते हैं। मैडम ये बताइए, यहाँ ये जो एरिया है, ये मार्केट है, और मार्केट एरिया में चाहे वो पुरुष हो महिला हो, सब आते हैं परचेसिंग करने के लिए, दुकान में कुछ भी सामान लेने के लिए आते हैं। तो अगर कोई महिला, आप एक महिला है, तो हम ये पहला पूछना चाहेंगे कि महिलाओं को ये वाइन शॉप से कहीं ना कहीं दिक्कत होगा या नहीं? जी जी, बहुत तो दिक्कत होता है, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे शराब लेता है, यहाँ से लेके बाहर में जाकर सेल भी करते हैं, क्योंकि एनेटको का है। पहला बात यह है कि एनेटको जो है अंडमान में आए थे अंडमान निकोबार डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन ये तो डेवलपमेंट नहीं है, इसमें जो है पूरा अंडमान का बर्बादी है। जैसा ये स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में कितना सुंदर होना चाहिए, बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं, बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक इंटरव्यू दिया था कि स्मार्ट सिटी है, इतना अच्छा यहाँ से प्लेयर निकलते हैं। अगर इस तरह वाइन शॉप सब जगह में खोलते हैं, जैसे छोलदारी में खोले, आपका मथुरा या कोई वृंदावन कोई एरिया में खोले, वो लेके भी बहुत सारे लड़ाई झगड़ा हुआ था, फिर भी खोल दिया। और हमारे एरिया में भी खोलने के लिए, जैसे इंदिरानगर जंक्शन में खोलेंगे बोले, तो ये सब जो अप्रूवल देते हैं ये तो बहुत गलत है, डेवलपमेंट इसमें बिल्कुल नहीं होता। इसमें जो एनेट का आइस प्लांट पहले थे, फिर आपका दूध का जो बिजनेस है, गांव-गांव से दूध लेकर ये चलाते थे, वो सब एकदम छोड़ दिया, बिल्कुल सब कुछ अभी दारू में चले गया। जैसे डी फॉर दारू और डेवलपमेंट, दारू और डेवलपमेंट में इस लोग का कुछ फर्क ही समझ में नहीं आया। तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल जल्द से जल्द बंद किया जाए। अगर बंद नहीं किया तो हमारे महिला शक्ति की तरफ से, महिला राष्ट्र शक्ति की तरफ से हम लोग दिल्ली में जाएंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे। हमारे जो राष्ट्रपति बना है द्रौपदी मुर्मू जी, उससे मिलकर होने से भी इसको हम लोग बंद करके ही छोड़ेंगे। ये तो बिल्कुल ये जो आपका कहना यही है कि ये जो मंदिर के सामने बनाया और ये महात्मा गांधी के नाम से जो मार्केट है वो जगह पे ये नहीं खोलना चाहिए था। बिल्कुल, महात्मा गांधी जी देखिए, खाली 2 अक्टूबर को जो है ये एक ड्राइव गांधी जी गांधी जयंती के अवसर में बंद कर देते थे, वो दिन खाली बिल्कुल नहीं होगा। उसका बाद में जो दूसरा दिन 3 अक्टूबर से जो शुरू हो रहा है, नेक्स्ट 1 अक्टूबर तक रात तक चलता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और गांधी जी के स्टैचू सामने है, गांधी मार्केट नाम दिया है,
तो इस तरह तो हम लोग होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल होता है। छोटे छोटे बच्चे लोग पीते हैं, पुरुष लोग जो है यहाँ से एटीएम से स्क्रैच करके शायद काट लेते हैं, लेके गांव-गांव में सेल करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब आपने ये भी देखा होगा वाइन शॉप में पहले भीड़ नहीं होता था, अभी भीड़ ज़्यादा बन गया है ये लॉकडाउन के बाद। बिल्कुल, हम लोग तो इसका खिलाफ पहला से ही है महिलाएं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस तरह अप्रूवल देते रहेंगे तो हम लोग महिला लोग तो गांव-गांव से और शहर में भी कोई भी जगह में महिला और बच्चे खास करके लड़की लोग जो है पढ़ाई में आते कितना मुश्किल से उस लोग डर डर के जाना पड़ता है, बस में भी दारू लेके जाते इस लोग और खोल के ओपन करके दिखाते भी है कि ये मतलब नया है करके, मतलब नया सिला कोई कुछ मिला है नहीं, ऐसे करके हम लोग ये सब लेके हमने देखे बिल्कुल कंप्लेंट भी हम कंप्लेंट भी किया था मंगलोटन थाना में भी ये बात हम लोग बोले थे कि बस में जो है दारू का बोतल दिखाते, ये बिल्कुल गलत है। ये एडमिनिस्ट्रेशन ये सब के ऊपर ध्यान देना है, नहीं तो महिला लोग अगर एक साथ में उतर जाएंगे फिर वही जो है मतलब एक दंगा हंगामा ये सब होना शुरू हो जाएगा, ये बिल्कुल समाज में एक गलत मैसेज जाते हैं बिल्कुल। अभी हमारे साथ में अंशुमन जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर सबसे पहले ये बताइएगा, पूरे देश भर में आपको गांधी जयंती मनाया जाता है, पूरे देश भर में मनाया जाता है, तो उस दिन जो है आपका पूरा ड्राई डे होता है, चाहे उस दिन मीट नहीं कटता है, दारू कहीं पे सेल नहीं होता है, जितने भी बार होते हैं वाइन शॉप होते हैं सारे जो है बंद रहते हैं गांधी जी के गांधी जी सम्मान में, तो वैसे में ये गांधी जी के नाम से बना हुआ है मार्केट है वहाँ पे ये वाइन शॉप खुली है, तो उस पर क्या करें? देखिए ये जो सोच है ये सोच तो आम आदमी का सही रहता है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रहते हैं जो ये अप्रूवल्स देते हैं उनका दिमाग में क्या एथिक्स चलता है समाज को लेके, अपना एजुकेशन को लेके, जो एजुकेशन वो लिए हैं उसमें क्या ये इन्वॉल्व रहता है कि ऐसा कोई कार्रवाई किया जाए जहाँ पे समाज और समाज में रहने वाले जो महिला बच्चे या फिर पुरुष भी है, क्योंकि देखिए दारू तो पीते हैं, दारू पीना बड़ा बात नहीं है, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस रहता है अपना फैमिली का, अपना जॉब का, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सब को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा सहायता करना चाहिए कि ऐसा जगह पे वाइन शॉप ना खोले जहाँ पे आम लोगों का ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो। अब देखिए यहाँ पे जो वाइन शॉप खुला है ये आप जगह देखिए, ये है आपका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे महिलाएं बच्चे बहुत मतलब अच्छे लोग, अच्छे घराना के लोग या हर किस्म के लोग यहाँ पे आते हैं मार्केटिंग करने के लिए आते हैं, आना ही पड़ता है, ऐसा नहीं कि ठीक है उन लोग चाहे तो ठीक है हम नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। ये फॉर एग्जाम्पल हम आप अपने घर से सोचते हैं ना, यहीं पर अगर मेरा मम्मी या मेरे बहन लोग आएंगे, ये कॉम्प्लेक्स पहले जैसा था कि पहले आते थे शॉपिंग करते थे चले जाते थे, अभी यहाँ पे अनिटको शॉप खुला है, आपको अच्छा से मालूम है कि अंडमान में एक एक अनिटको शॉप के सामने में कम से कम 200-200 आदमी का लाइन होता है, आप यहाँ पे लाइन कहाँ तक आएगा आप थोड़ा देख लीजिए, दूसरे दुकान के सामने में लाइन क्यों जाएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, यहाँ पे हर एक दुकान अपना अपना पगड़ी देके अपना मेहनत से अपना भरोसे के साथ में कि हमें कुछ पैसा मिल जाए, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वाइन शॉप खोल के उनके बिजनेस में भी ठेस पहुँचा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसी कॉम्प्लेक्स के पीछे में एक नया मेरे ख्याल से मेडिकल शॉप या फार्मेसी या कुछ क्लिनिक टाइप का कुछ खुल रहा है, फार्मेसी खुल रहा है, ये कितने दिन से वेट कर रहे हैं जिनको करंट का लाइन नहीं मिल रहा है, इनको बहुत दिक्कतें आ रही है, जबकि वो अपना पैसा खर्चा कर रहा है, अपना लाइसेंस बना रहा है, अपना टैक्स पे कर रहा है, अपना सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो अपना दुकान नहीं खोल पा रहा है क्योंकि हमें करंट का लाइन नहीं दिया अभी तक। वाइन शॉप में दो दिन के अंदर सब कुछ आ गया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये अच्छा पावर दिखा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ लोगों के लिए करना चाहिए क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रहा है, तो एक बेरोजगार अगर कुछ करना चाह रहा है तो आप सबसे पहले उसके लिए करना चाहिए बल्कि इनके लिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ड्रग्स फ्री आइलैंड होना चाहिए, यहाँ पे अल्कोहल फ्री आइलैंड होना चाहिए, यहाँ पे यूथ्स जो मेहनत करना चाहते हैं उन लोग शराब के कारण में दिन बर्बाद हो जाता है, साल बर्बाद हो जाता है, तो ये चीज़ के सीरियसली इन लोग लेते हैं या फिर सिर्फ शो ऑफ के लिए इन लोग रेवेन्यू कमाने के लिए? अरे भैया आप खोलो, हम ये नहीं बोल रहे कि यहाँ पे वाइन शॉप बंद ही कर दो अंडमान में, नहीं आप खोलो, आप बंद नहीं कर सकते मुझे मालूम है, लेकिन क्या है कि आप इतना तो सम्मान लोगों का रखिए कि ऐसा जगह पे वाइन शॉप ना खोला जाए जहाँ पे समाज यूथ का मतलब बर्बादी हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम दरखास्त करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द इस वाइन शॉप को कहीं शिफ्ट किया जाए, वरना यहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा हम लोग करेंगे, ये जनहित के लिए करेंगे, ये मेरा पर्सनल कुछ नहीं है।
ये जनहित के लिए हम करेंगे, जो कि उनको करना चाहिए था पहले, ये वो नहीं कर रहे हैं, वो चूक गए, इसीलिए हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। थैंक यू सर। जैसे कि हमने हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के जितने भी मेंबर्स थे उनसे बात की है, उनका सीधा साफ कहना है कि आने वाले दिनों में अगर यहाँ से अगर इसको शिफ्ट नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में इन लोग उग्र होकर जो है धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, इनका कहना है। धन्यवाद। न्यूज़ आप तक के लिए मैं जे बॉबी। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।